सरकार के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव धराशायी हो गया। सत्ता पक्ष ने जहां विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का बखूबी सामना किया और जनता के द्वारा मिले विश्वास के बल पर छत्तीसगढ़ सरकार चलाने की उन्होंने बात कही। इस मैराथन चर्चा में जहां विपक्ष ने सत्ता पर उनके जन घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने जहां आंकड़ों की बाजीगरी करते हुए राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की, वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी आंकड़ों को गलत बताते हुए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर लचर और बगैर तैयारी वाला अविश्वास प्रस्ताव बनाकर खारिज कर दिया गया। इससे मालूम था कि संख्या बल हमारे पास में नहीं है, लेकिन 3.5 साल के सरकार के जो कारगुजारी है ये जरूरी है उस पर चर्चा करना, और जिस प्रकार से जनता के सामने उनका विश्वास खत्म हुआ है, हम लोगों ने जो आरोप लगाए उस आरोप का जवाब नहीं आया। हम तो समझ रहे थे कि जो आरोप लगाए हैं उसके जवाब आएंगे और मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे करके, हाउस के अंदर में जो उनका कमिटमेंट का वो बातें हम लोगों ने रखे, बहुत सारे करप्शन के मामला का हम लोगों ने आंकड़े के साथ में उस बात को रखने का प्रयास किया, हमारे साथियों ने अलग अलग मुद्दों पर अपनी बातें रखी और हम चाहते थे कि उसका जवाब आना चाहिए, लेकिन वो जवाब नहीं आया। संख्या बल में आप सबको मालूम है कि हमारी संख्या कम है, और हम लोगों को भी पता था कि वो विपक्ष केवल अपने धर्म का निर्वहन कर रहे हैं, जो अधिकार उनको मिला हुआ है और उसी के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। कोई मुद्दे उनके पास थे नहीं, कोई तथ्य उनके पास थे नहीं, और केवल जो विधानसभा में पहले प्रश्न के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से या स्थगन के माध्यम से जो कुछ मुद्दे आए थे उन्हीं सब मुद्दों को वो कहते रहे, कोई नया तथ्य सामने नहीं आया, तो बहुत ही लचर निराशाजनक उनका ये अविश्वास प्रस्ताव। और हमारे पक्ष के लोगों ने बहुत दमदारी से बात रखी, जनता पार्टी के विधायक लोग पता नहीं कहाँ से आंकड़े उठा के ले आए थे, जितना हमारा जनसंपर्क विभाग का बजट नहीं है उससे ज़्यादा गोधन न्याय योजना का वो विज्ञापन बता रहे हैं, और शिक्षा का स्तर बता रहे हैं कि 29 राज्य और 36वां स्थान है, तो ऐसे ऐसे आंकड़े। और हमारे साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, आप जानना चाहेंगे अविश्वास प्रस्ताव जो है धराशायी हो गया, लेकिन पक्ष और विपक्ष जो है दोनों में नोकझोंक चलती रही, बहस होती रही, किस तरीके से रहा पूरा विधानसभा का ये सत्र? देखिए पूजा, जिस तरह से भाजपा ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था ये, और 84 बिंदुओं का ये अविश्वास प्रस्ताव था, लेकिन जब अंततः तब इस पर चर्चा हुई और इस चर्चा के बाद हम यही कह सकते हैं कि ये अविश्वास प्रस्ताव जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, क्योंकि देखिए अगर संख्या की बात की जाए तो भाजपा कांग्रेस के पास 71 विधायकों का बहुमत है, इसके अलावा 14 विधायक जो है वो भाजपा के हैं, तो जाहिर तौर पर 71 विधायकों के सामने अविश्वास प्रस्ताव का कोई औचित्य नहीं बचता। लेकिन भाजपा ने इस मंशा से ये अविश्वास प्रस्ताव लाया था क्योंकि भाजपा चाहती थी कि हर मुद्दे पर चर्चा हो, जिस तरह से 84 बिंदु भाजपा ने रखे थे, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में अपराध को लेकर, कर्ज को लेकर, तो ये तमाम जो मसले हैं वो चाहे वो गोधन न्याय योजना के तहत की बात हो, तो जाहिर तौर पे भाजपा जो है एक तरह से सरकार को घेरना चाहती थी और सदन में चर्चा कर कांग्रेस के सरकार को के खिलाफ हल्ला बोलना चाहती, तो जाहिर तौर पे इसको लेकर यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। लेकिन कई नोकझोंक इस दौरान विधानसभा में देखने को मिली, जिस तरह से भाजपा के कई दिग्गज नेता जो थे, जो विधायक थे, उन्होंने सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई, साथ ही कई मुद्दों को लेकर घेरने की कोशिश की, लेकिन सत्ता पक्ष की भी तैयारी पूरी थी, उन्होंने पूरे माहौल को संभाले रखा, और जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल ने भी कहा कि हमारी योजनाओं में त्रुटि हो सकती है लेकिन हमारी नियत में खोट नहीं है, जाहिर तौर पर पूरे अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सीएम का जो वक्तव्य आया है उसका सार हम यही कह सकते हैं कि त्रुटि तो जरूर हो सकती है लेकिन हमारी नियत में खोट नहीं है, हमारी सरकार आने के बाद से छत्तीसगढ़
गड़ियावाद जो है वो बढ़ा है। और ये एक बड़ी बात है, जिस तरह से हमारे पुरखों ने सपना देखा था कि छत्तीसगढ़ एक छत्तीसगढ़िया प्रदेश बने, तो जाहिर तौर पे इसको लेकर हम कार्य कर रहे हैं। और रही बात कर्ज की, तो कर्ज तो सरकार अपने लिए नहीं ले रही है, किसानों को कर्ज माफी के लिए कर्ज ले रही है। तो ये मिला जुला जवाब रहा सीएम भूपेश बघेल का। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो बता दें कि नेता प्रतिपक्ष ने जो है वो अविश्वास प्रस्ताव रखा था, लेकिन वो धराशायी हो गया।